अब मेरी गिची जो है वो तो दुरुस्त हो गई है और मैं आने वाली वीडियोस के अंदर अनबॉक्सिंग वगैरह ही करूंगा। बाकी विनस को यार एक का हेडफोन है, मैं जल्दी आप लोगों को जो है ना वो ये किस्सा मुकाता हूँ। मैं बड़ा ही ना उलझा हुआ था, बट चीज़ें मैं कर रहा हूँ ठीक, काफ़ी ज़्यादा वगैरह काम शाम करता हूँ। बट एनी वे, वेलकम टू द 59th एपिसोड ऑफ टेक वीकेंड। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटरनेशनल जो लोकल न्यूज़ है वो देता हूँ। भाई पहला अपडेट आ रहा है गूगल को लेके। शुक्र है SCCP के अंदर गूगल ने अपना आपको रजिस्टर किया कराची रजिस्ट्री के अंदर। ऑफिस 2 हफ्तों के अंदर जो है वो IT मिनिस्टर साहब कह रहे हैं खुल जाएगा, तो सबको मुबारक हो। मैं इवन अपनी होश के अंदर पहली दफ़ा जो है वो गूगल को पाकिस्तान में देखूंगा। यूट्यूब स्पेस भी खुलेगी, यूट्यूब का ऑफिस भी आएगा, हमारे जो चैनल हैक होते हैं उनके भी मसले ठीक होंगे। तो थैंक यू जिन भाई साहब ने भी सारा कुछ करवाया। तो गूगल पाकिस्तान में आ चुका है और सबको मुबारक हो फिर से। और एनीवे मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट बताऊं तो भाई साहब वो आ रहा है ट्रांसवाइज को लेके। भाई मुझे IT मिनिस्टर साहब ना फुल जोश में लग रहे हैं और ये भी ट्राई करेंगे ट्रांसवाइज को जो पाकिस्तान में किसी तरह से जो है वो इनेबल वगैरह किया जाए ताकि जो पेमेंट्स वगैरह प्रॉपरली आ सके, क्योंकि मोस्टली दुनिया के अंदर ना सबसे कन्वीनियंटली से ही पैसे पाकिस्तान में आ सकते हैं, हर जगह इनकी ऑप्शन भी आ रही होती है। तो अभी देखते हैं कब तक ये पाकिस्तान के अंदर अपना जो है वो स्ट्रीमलाइन करते हैं। कंपनीज वैसे आ रही हैं, मेटा की भी जो है अभी वो हो चुकी हैं, तो ओवरऑल सिस्टम काफ़ी ठीक जा रहा है। बस इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, वो साइड नहीं ठीक जा रही, मगर जो IT साइड वाले चाचा है ना वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर सल्यूट है आपको। बहरहाल मैं आपको अगला अपडेट बताऊँ तो वो भाई आ रहा है जी सैमसंग को लेके। और सैमसंग का जो S23 होगा उसके अंदर जो है वो 8K 30 FPS की सपोर्ट हमें नज़र आ सकती है। वैसे मुझे ज़्यादा कंसर्न है कि कौन सा जो इसके अंदर सेंसर है वो यूज़ करते हैं, कितने मेगापिक्सल का होता है, कितना जूम वगैरह होता है, तो अभी देखते हैं। मगर ये जो अपडेट है ना ये बाकी हो जानी है, क्योंकि सैमसंग पहले भी जो है वो देता आया, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा और बाकी भी इन्होंने किया ही है। और मैं आपको इन्हीं के राइवल Xiaomi पा इनका बताऊं तो इनका जो है वो अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो Xiaomi का 13 जो है वो लॉन्च हो गया होगा चाइना के अंदर 11 दिसंबर को। और रिपोर्ट अभी के लिए ये आ रही है कि इसके अंदर जो है वो ऑफिशियल वाटर रेजिस्टेंट जो है वो हो सकती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, क्योंकि पहले Xiaomi ने आज तक अभी क्लेम नहीं किया, मगर अक्सर मोबाइल फ़ोन जो है वो गुजारा कर जाते हैं। तो ये कुछ अपडेट आ रहा है Xiaomi को लेके, अभी देखते हैं कि जब आप वीडियो देखोगे तो आप लोगों को सर्च करके देख लेना क्या होता है, मैं पहले शूट कर रहा हूँ। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रही है, वैसे देखते हैं कर देंगे, अब न्यूज़ निकल के आई है तो एम ही थोड़ी कोई कह रहा होगा। बहरहाल मैं आपको चाचा मस्क का सीन बताऊं तो इन्होंने कहा है जी 1.5 बिलियन जो अकाउंट है ट्विटर के वो डिलीट करने वाले हैं। और इतने अकाउंट वाकई में भी हैं या नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि शायद पिछले कोई अकाउंट्स बने हो जो यूज़ नहीं करते, तो मे भी इतनी अमाउंट निकल के आती हो, मगर एक्टिव फिर कितने अकाउंट है टोटल वो भी कोई नंबर नहीं उन्होंने बताया। और जो आईफोन यूज़र हैं उनसे $12 चार्ज कर रहे हैं, तो रोज़ ये बंदा नया शोशा छोड़ता है। और जैसे क्रिप्टो में था ना, अब ये ट्विटर पे आ गया, हरकतें करना शुरू हो गया है, तो देखते हैं लोग कितनी देर तक इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। बाय द वे ये ओनर है तो सीरियस तो लेना ही पड़ेगा, तो देखते हैं अभी और क्या डेवलपमेंट्स वगैरह निकल के आती हैं। कह तो दिया, देखते हैं होता भी है या कुछ नहीं। मैं आपको सेकंड लास्ट अपडेट दूं तो वो भाई आ रहा है जी सैमसंग के एम सीरीज के O4 को लेके, जो के लॉन्च हुआ है $105 की प्राइस के अंदर, लाइक तकरीबन कोई 30,000 के अराउंड पाकिस्तानी, 30,000 से कम ही आप कह लो, 25,000 के अंदर अंदर जो है वो लॉन्च हुआ, 25-26,000 के अंदर। और इसके अंदर जो है वो हीलियो का P35 प्रोसेसर डाला हुआ, 5,000 mAh की बैटरी है, 4GB रैम है, उसके अलावा 128GB की स्टोरेज, 1TB का आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो SD कार्ड के थ्रू। पाकिस्तान में नहीं आया, मगर देखते हैं शायद लॉन्च हो जाए। ओवरऑल मोबाइल काफ़ी बजट के अंदर है और कैमराज भी जो है वो 13 मेगापिक्सल और 3 मेगापिक्सल बैक के ऊपर, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल, तो ओवरऑल सीन तो इसका ज़बरदस्त है अगर पाकिस्तान में आएगा तो, देखते हैं। बट ये कुछ अपडेट निकल गया रही है सैमसंग की एम सीरीज़ के 4 को लेके। और हमारा भाई लास्ट अपडेट देखे तो वो आ रहा है जी यूरोपियन यूनियन को लेके, और उन्होंने फाइनली पास कर दिया है बिल जिसके अंदर अब से तमाम लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, जितनी भी शहर ना उनके अंदर टाइप सी मिलेगी, क्योंकि ये जो इतना गंद इकट्ठा हो रहा है ना पूरी दुनिया के अंदर, तो उसको कैटर करने के लिए जो है इन्होंने ये किया है। तो देखते हैं भी एप्पल पोर्ट निकालता है या वायरलेस चार्जिंग देता है, क्या इनका जो है आगे का अपडेट निकल के आता है। 2 साल का इन्होंने उसे टाइम दी है। तो ये भाई थे आज के सारे अपडेट्स, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे से कमेंट्स पर पूछते जाना।
मैं मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।